सो फाइनली इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्योरेटी के न्यू अपडेट में ऑटो रिक्शा कम्प्लीटली कंफर्म्ड हो चुका है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि न्यू अपडेट में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा और ऑटो रिक्शा का चीट कोड क्या है। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज आज की वीडियो इंटरेस्टिंग और कुछ न्यू टॉपिक पे है। तो लेट्स गो, बात करते हैं न्यू अपडेट्स के बारे में और ऑटो रिक्शा के चीट कोड के बारे में और न्यू अपडेट में जो एंडेवर आ रही है मॉडिफाइड उसके बारे में। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो है ऑटो रिक्शा के बारे में। सो फाइनली इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्योरेटी के नए अपडेट में ऑटो रिक्शा कंफर्म्ड आने वाला है। और ऑटो रिक्शा के रिलेटेड रोहित सर ने दो फोटोज हमें भेजी थी, उनमें से बोला था इन दोनों रिक्शा में से कौन सा रिक्शा एड होना चाहिए, जिनमें से तुम लोग देख पा रहे होंगे एक जो रिक्शा है वो है येलो प्लस ग्रीन और जो दूसरा है वो है ब्लैक प्लस येलो। तो भाई उनमें से जो ज्यादा से ज्यादा वोट आए थे ना वो आए थे सेकंड नंबर वाले ऑटो रिक्शा को, मतलब जिसका कलर है ब्लैक प्लस येलो वो ज्यादा डिमांडिंग में है। लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं अभी तक अपडेट नहीं आया, मतलब अभी तक ये कंफर्म्ड नहीं है कि कौन सा आने वाला है येलो प्लस ग्रीन या फिर येलो प्लस ब्लैक। भाई आएगा तो तुम लोग की डिमांड से आएगा, अगर तुम लोग कहोगे येलो प्लस ब्लैक तो वही आएगा और तुम लोग कहोगे ग्रीन प्लस येलो तो वही आएगा। तो अगर तुम लोग को येलो प्लस ग्रीन चाहिए तो तुम लोग कॉमेंट्स में वोट फॉर येलो प्लस ग्रीन ऑटो रिक्शा कॉमेंट्स कर दो, और अगर तुम लोग चाहते हो ऑटो रिक्शा आना चाहिए तो वो आना चाहिए ब्लैक प्लस येलो तो तुम लोग कमेंट्स कर दो वोट फॉर ब्लैक प्लस येलो ऑटो रिक्शा। और तुम लोग अपने अलग अलग से कमेंट्स भी कर सकते हो, जैसे कि ऑटो रिक्शा ब्लैक येलो या ऑटो रिक्शा ग्रीन, जो तुम लोग चाहिए वो कमेंट्स में बता दो। और भाई अब बात कर लेते हैं ऑटो रिक्शा जो न्यू अपडेट में आने वाला है उसका चीट कोड क्या होने वाला है। तो भाई चीट कोड तो मैं बता दूंगा, बट उससे पहले अगर तुम लोग को ऑटो रिक्शा चाहिए इस गेम के नए अपडेट में तो तुम लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में ऑटो रिक्शा मत भूलना टाइप करना। जो भी देख रहे हो सारे के सारे कमेंट्स में वोट करो कौन से कलर के लिए ऑटो रिक्शा के। भाई मैं तो चाह रहा था दोनों ही ऑटो रिक्शा है, एक जो येलो प्लस ब्लैक है और दूसरा ग्रीन प्लस ब्लैक है, सॉरी ग्रीन प्लस येलो है, तो ये दोनों ही आने चाहिए फिर तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अगर तुम लोग डिजाइन देखो तो उन दोनों डिजाइन में भी डिफरेंस है काफी ज्यादा। अगर तुम लोग येलो प्लस ग्रीन वाले ऑटो रिक्शा को अगर देखो तो उसमें सिर्फ एक लाइट है, लेकिन जो ब्लैक प्लस येलो है उसमें तीन तीन लाइट्स हैं, जिसकी वजह से इन दोनों ऑटो रिक्शा के डिफरेंस काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं हमें, सामने से भी काफी ज्यादा लुक चेंज है दोनों की। लेकिन भाई एट द एंड बात यही आ जाती है कि डिमांड तुम लोग की है, जो तुम लोग कहोगे ना वो ही एड होगा। तो तुम लोग कॉमेंट्स में जल्दी जल्दी बताओ तुम लोग को चाहिए कौन सा, और जिन जिन को अपडेट बहुत जल्द चाहिए और ऑटो रिक्शा का चीट कोड चाहिए तो तुम लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आप लोग को बता पाऊं। उसके बाद ऑटो रिक्शा तो कंप्लीटली आने वाला है, लेकिन क्या मॉडिफाइड एंडेवर भी न्यू अपडेट में आने वाली है? तो आज की वीडियो में मैं तुम लोग को इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि न्यू मॉडिफाइड एंडेवर का चीट कोड क्या होने वाला है और न्यू मॉडिफाइड एंडेवर आने वाली है या फिर नहीं, और उसके साथ ही ऑटो रिक्शा का चीट कोड क्या होने वाला है। तो भाई वीडियो को एंड तक देखो, लाइक सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लो। अब मैं तुम लोग को न्यू मॉडिफाइड एंडेवर का चीट कोड बता दूं और बता दूं क्या न्यू अपडेट में आने वाली है या फिर नहीं। उससे पहले भाई मुझसे ना काफी सारे बंदे पूछ रहे थे जो हम कार से आर पार हो जाते हैं वो होता कैसे, मतलब वो ट्रिक होती कैसे। तो भाई उसको ट्राई करने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को 9129 डायल करके इन्फिनिटी हेल लगानी पड़ेगी, और फिर जो काफी सारे बंदे इसको ट्राई करने में गलती करते हैं ना वो ऐसी कोई छोटी कार स्पॉन नहीं करते। यस भाई मैं तुम लोग को बता दूं ये वाली जो ट्रिक है ना गाड़ियों से आर पार जाने वाली, ये सिर्फ छोटी गाड़ियों से ही होता है, मतलब होती है ये ट्रिक के। लेकिन भाई तुम लोग ट्राई करते हो बड़ी गाड़ियों से, जैसे मैंने फॉर्च्यूनर स्पॉन की, अब यहाँ पर मैं डायल करूंगा 1120 और बैठने वाले पे भी क्लिक करूंगा। अब देखो हमारा जो करेक्टर है वो आसमान में ही स्टक हो चुका है, अब ये ना इधर होगा ना उधर होगा, अब सारा दिन तुम लोग यहीं पर होगे। जब तक तुम लोग गेम को रीस्टार्ट नहीं करोगे तब तक ये स्काई में ही स्टक हुआ पड़ा होगा। तो तुम लोग ये ध्यान में रखना, मैं गेम को फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ, चेले में चलता हूँ और फन ट्रैक में चलता हूँ, और मैं ना फॉर्च्यूनर के साथ एक बार फिर से तुम लोग को ट्राई करके दिखाता हूँ, शायद इस बार हो लेकिन नहीं होगा मुझे यकीन है, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियों के साथ होता ही नहीं है। मैंने फिर से 9129 डायल करके इन्फिनिटी हेल लगा ली, यहाँ पर मैं डायल कर लेता हूँ 1000 जिसे आती है फॉर्च्यूनर, यहाँ पर मैं 1120 डायल कर लेता हूँ और मैं बैठने वाले पे भी क्लिक कर दिया, और देखो
फिर से मैं स्काई में स्टक हो चुका हूँ और अब मैं स्टक युवा पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने गेम को फिर से स्टार्ट कर लिया। अब मैं तुम लोग को ट्राई करके दिखाता हूँ छोटी गाड़ी के साथ, मतलब टार्जन के साथ ट्राई करते हैं। तो एक बार फिर से मैंने 9129 डायल करके इन्फिनिटी हेल लगा लिए। अब 300 डायल करके ये वाली छोटी टार्जन कार, भाई मैं इसके पास में आ जाऊंगा, बैठने वाला ऑप्शन हमें नजर आना चाहिए। फिर यहाँ पर डायल करेंगे 1120 और बैठने वाले पे भी क्लिक किया। अब देखो नीचे आ रहा है, और भाई अब जैसे ये नीचे आएगा ना, हम सारी की सारी गाड़ियों से आर पार जा सकते हैं। इसको एक बार नीचे गिरने दो। डन, मैं बिल्कुल नीचे गिर चुका हूँ। अब मैं जैसे ही खड़ा हूँगा, मैं खड़ा भी नहीं हूँगा, मैं ऐसे इस पोजीशन में हूँ, मतलब बैठा हुआ हूँ जैसे कार में। और भाई फाइनली अब हम सारी की सारी गाड़ियों से आर पार जा सकते हैं। मैं तुम लोग को इस वाली टार्जन कार के आर पार जाके दिखाता हूँ। ये देखो, अब भाई तुम लोगों ने ये तो देखा है मैंने इस वाली गाड़ी से आर पार किया, लेकिन हम ट्रेन से भी आर पार कर सकते हैं, मतलब सारी की सारी व्हीकल से आर पार कर सकते हैं। ये सब जो भी गाड़ी है ना, सारी की सारी हम उनके आर पार जा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक फॉर्च्यूनर स्पॉन करता हूँ 1000 डायल करके, और अब मैं तुम लोग को उसके भी आर पार जाके दिखाता हूँ। और इसके अंदर का तुम लोग इंटीरियर भी देख सकते हो सारा का सारा। ये देखो मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, और देखो पीछे से सामने से मैं जहाँ से चाहूँ इसको अंदर से सारा का सारा देख सकता हूँ। और भाई मुझे इस वाले गिलीज की यही बात बेस्ट लगती है, मतलब जिस गाड़ी का भी तुम लोग इंटीरियर चाहो, अंदर से बाहर से बीच से जहां से चाहो तुम लोग देख सकते हो सारा का सारा इंटीरियर गाड़ी का। और भाई मैं तुम लोग को बता दूं, एक बार ये गिलीज करने के बाद तुम लोग सीधे हो ही नहीं सकते। मैं फिर से यहाँ पर स्काई फॉल लगा के देखता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जितना लग रहा है ना, मैं फिर भी वैसा ही रहूंगा, मैं सीधा नहीं हो पाऊंगा एक बार इस गिलीज करने के बाद, लेकिन फिर भी देखते हैं। और अभी तक तुम लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना प्लीज। और ये मैं नीचे तो आ चुका हूँ, एक बार इसको सीधा होने दो, तभी हमें पता चल पाएगा। और जैसे मैंने कहा था, हम वैसे ही रहेंगे, सीधे हम हो ही नहीं पाएंगे। अब जब तक मैं गेम को फिर से नहीं चलूंगा, तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। और भाई मैं तुम लोगों को एक फनी चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले 200 डायल करके हॉर्स स्पॉन कर दियो, और तुम हॉर्स के भी आर पार जा सकते हो, मतलब वो व्हीकल्स तो ठीक है, लेकिन तुम लोग पेट्स के भी आर पार जा सकते हो, और मैं हॉर्स के तो दांत भी देख पा रहा हूँ। भाई ये क्रेजी है, एक बार तुम लोग इसको ट्राई जरूर करना। और तुम लोगों को ये पसंद आया है ना ट्रिक, ये ग्लिच, लाइक सब्सक्राइब बनता है इस बात पे। और भाई आई होप तुम लोगों को ये समझ भी आ गया होगा कि ये कैसे करना है। तो अब बात करते हैं न्यू अपडेट के कुछ चीजों पे, और ये तो तुम लोगों को पक्का समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने आराम आराम से सारा समझाया है। तो गाइस अब अपडेट से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं न्यू मॉडिफाइड एंडेवर के बारे में। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, न्यू अपडेट में एंडेवर मॉडिफाइड कंफर्म आने वाली है। लेकिन तुम लोग सोच रहे होंगे न्यू मॉडिफाइड एंडेवर जो आने वाली है उसका चीट कोड क्या होने वाला है। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, जितना मुझे लग रहा है ना भाई, न्यू अपडेट में जो मॉडिफाइड एंडेवर आने वाली है ना, उसका चीट कोड सेम ही होगा जो उसका नॉर्मल चीट कोड है, यानी कि 2020। तुम लोग गेम को खेलते हो तो तुम लोग को पता होगा जो नॉर्मल एंडेवर है वो 2020 से आती है। तो शायद ऐसा हो न्यू मॉडिफाइड एंडेवर आ जाए और पुरानी वाली रिमूव हो जाए, और फिर अगर पुरानी वाली एंडेवर रिमूव होगी तो उसकी जगह पे मॉडिफाइड एंडेवर आएगी और उसका चीट कोड सेम ही रहेगा 2020। लेकिन भाई अगर ऐसा होता है दोनों की दोनों एंडेवर्स होंगी मॉडिफाइड और नॉर्मल, तो फिर मुझे लगता है जिसका चीट कोड एंडेवर का शायद फिर वो होगा 2121, क्योंकि तुम लोग को पता होगा जो पहले हमारी गेम के अंदर नॉर्मल थार थी उसका चीट कोड था 1990, फिर थार आई मॉडिफाइड, पुरानी को रिमूव कर दिया गया था और मॉडिफाइड थार का चीट कोड था 1990। लेकिन फिर से हमारे इस गेम के अपडेट में मॉडिफाइड थार की जगह नहीं, बल्कि दूसरी, मतलब दूसरे चीट कोड पे हमारी न्यू थार नहीं, बल्कि जो पुरानी थी फिर से ऐड कर दी गई थी। और फिर जब एक बार फिर से उस वाली पुरानी थार को ऐड कर दिया गया था, तो फिर से उसका चीट कोड 1990 नहीं रखा गया था, वो था मॉडिफाइड थार का, उसको फिर कर दिया गया था 9191। तो एंडेवर के साथ भी शायद ऐसे ही होगा, जो उसको नॉर्मल है वो 2020 पे ही होगा और उसका जो मॉडिफाइड है वो 2121 पे हो सकता है, मुझे जिंदा लग रहा है, कंफर्म अभी नहीं है। और जो ऑटो रिक्शा है ना वो न्यू अपडेट में आने वाला है, ये तो पक्का है, लेकिन तुम लोग को चाहिए कौन सा वो तुम लोग कमेंट्स में बता दो, ब्लैक प्लस येलो या फिर येलो प्लस ग्रीन, कौन सा चाहिए वो तुम लोग बता दो। और चीट कोड में तुम लोग को
बता दूंगा, अभी नहीं। अभी तुम लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही न्यू अपडेट आएगा ना, मैं तुम लोग को न्यू ऑटो रिक्शा का, मॉडिफाइड एंडेवर का और जो न्यू फीचर्स आएंगे या फिर न्यू चीट कोड्स आएंगे वो सारे के सारे मैं तुम लोग को बता दूंगा। सो यस, अब तुम लोग मुझे कॉमेंट्स में जरूर बता के जाओ कि तुम लोग को रिक्शा कौन सा चाहिए और एंडेवर का चीट कोड तो मैंने तुम लोग को बता दिया, शायद यही होगा जो मेरे अंदाजे से लग रहा है। और बाकी न्यू अपडेट में तुम लोग को क्या क्या चाहिए वो भी तुम लोग कॉमेंट्स में बता दो, वो भी जरूर एड कर दिया जाएगा। तो तुम लोग जरूर बता देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लेना। और भाई कमेंट सेक्शन तो तुम लोग भर दो, मतलब जितने भी कमेंट्स कर सकते हो ना ऑटो रिक्शा के, तुम लोग को कौन सा चाहिए एंडेवर के और न्यू अपडेट में क्या क्या आना चाहिए, सारे के सारे कॉमेंट्स कर दो। बाकी आज की यही थी वीडियो जो कि मैंने अपडेट से रिलेटेड बनाई है। बाकी मेरी और वीडियो देखनी है तो आप लोगों जो ऊपर शोरियस पे क्लिक करो, मैं आप लोगों वहीं पे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।